अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे YouTube चैनल कामरान द एजुकेटर के वीडियोस से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प हो रही होगी। आप लोग ज़रूर जो है प्लेलिस्ट भी एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पे भी फ्यूचर के लिए आपको तमाम सहूलतें जो है मैं वीडियोस बना के रख दिया हूँ। आपके रिलेटेड जो भी आप टॉपिक चाहिए तो वो भी आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अगर आपको चाहिए तो वहाँ से भी आप इंपॉर्टेंट जाके ले सकते हैं। उसके साथ साथ आज की वीडियो में टॉस की अपडेट बताऊंगा, उसके साथ कुछ और इंटरमीडिएट की अपडेट भी बताऊंगा रेगुलर वालों के लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लेटेस्ट एजुकेशन की अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं। पहले हम टॉस की अपडेट बात कर लेते हैं। यहाँ पे टॉस की जो न्यू ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं ये 2022 से 2023 तक जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए जो है एसएससी और इंटरमीडिएट की जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 31 अगस्त 2022 है। ठीक है, यही मंथ की लास्ट डेट है 31 अगस्त से। पहले आप जो है लेट फीस के साथ एडमिशन करा सकते हैं। सॉरी जी। उसके बाद जो फेल स्टूडेंट्स है, जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम लिखना चाह रहे हैं, जो फेल स्टूडेंट्स कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो गए आप टेंथ में या इंटरमीडिएट में, उनकी जो लास्ट डेट है वो 1 सितंबर 2022 है। ठीक है, तो फेल सब्जेक्ट्स जो भी है तो आप 1 सितंबर से पहले जो है लेट फीस के साथ आप फीस पे कर सकते हैं ऑनलाइन जो है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं भी फीस जो है आप लोगों की पे कर दूंगा। इसके साथ साथ रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट जो है बहुत जने करे थे यहाँ पे टॉस की वेबसाइट पे, ये जो है आरसी और आरवी का आया था। आरसी के लिए जो है रिकाउंटिंग के लिए आंसर स्क्रिप्ट फिर से रिकाउंटिंग कराना, अगर बहुत स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि हम अच्छा लिखे लेकिन फिर भी मार्क्स कमाएं, तो उसके लिए जो है इंटर के लिए 400 रुपीज पर सब्जेक्ट था और 350 रुपीज पर सब्जेक्ट एसएससी टॉस के लिए था। और बहुत जने जो है ये रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट का जो है रिजल्ट पूछ रहे हैं सर कब आता, तो 15 डेज के बाद ये आएगा। ठीक है, और जो रीवेरिफिकेशन था फोटोकॉपी के साथ, आपकी फोटोकॉपी भी दी जाती थी, वो इंटर के जो है 1200 पर सब्जेक्ट था और एसएससी के 1200 पर सब्जेक्ट था। उसकी डेट्स जो है 26 जुलाई से 5 अगस्त तक थी। ठीक है, 5 अगस्त तक ही थी, उसके बाद 5 अगस्त के बाद जो है आपकी रिकाउंटिंग शुरू हो जाती है, यानी कि 15 डेज के बाद आपका आरसी का और आरवी का रिजल्ट आ जाता है, यानी कि 23 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट आने के चांसेस है आरसी और आरवी का। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत जने जो है पूछ रहे सर आरसी और आरवी का रिजल्ट कब आता रिकाउंटिंग और रिवेरिफिकेशन का, तो 23 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक आने के चांसेस है आपका आरसी और आरवी का रिलीज, रिजल्ट वेबसाइट पे ही आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ये ईयर 2022 में जो है काफ़ी एसएससी टॉस के स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटर के स्टूडेंट्स जो है बहुत कम परसेंटेज से पास हुए। एसएससी टेंथ क्लास के जो टॉस के स्टूडेंट्स हैं वो 51.96% से पास हुए 100 में से, बहुत ख़राब बात है ये साल। इंटरमीडिएट टॉस के स्टूडेंट्स ऑल ग्रुप्स की बात करें तो 41.02% टॉस का पास परसेंटेज है ये साल, तो बहुत बुरा परसेंटेज है। स्ट्रिक्ट करेक्शन है, अच्छी से मेहनत करिए। सप्लीमेंट्री में भी फेल कैंडिडेट्स जो अभी एग्जाम लिख रहे हैं अक्टूबर में, उनसे भी जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छी स्टडी करिए, टॉस का स्ट्रिक्ट करेक्शन हो रहा है। और जो नेक्स्ट ईयर 2023 में जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे अप्रैल में या मई में, वो भी स्ट्रिक्ट करेक्शन होंगे, ये बात जरूर याद रख लीजिए। आप लोग वीडियो को दूसरों तक भी जरूर शेयर करिए ताकि उनको ये गलतफहमी ये ना हो कि जो है बहुत लूज करेक्शन होता है टॉस का, बहुत इजीली करेक्शन कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको अभी बता दिया हूँ परसेंटेज कितना, बहुत कितना गंदा परसेंटेज और कितना खराब परसेंटेज ये साल आया है टॉस के स्टूडेंट्स का। 51.96% ऑफ एसएससी टॉस एंड 41.02% ऑफ इंटरमीडिएट टॉस ऑल ग्रुप्स का। ठीक है, इसके साथ साथ तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन जो नामपल्ली में है रेगुलर वालों का, उन्होंने ये साफ बोल दिया है कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स को विथ होल्डिंग करेंगे, लेकिन रुका के रखेंगे कोई भी चीज़ के लिए, फीस के लिए कोई भी चीज़ के लिए फीस पे नहीं करें या जो है बुक्स नहीं लिए, कोई भी चीज़ के लिए अगर आप स्टूडेंट्स को दबाव डालेंगे, स्टूडेंट्स को फोर्स करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे या उनके सर्टिफिकेट्स को रोक के रख देंगे, विथहोल्डिंग कर देंगे, तो आपके ऊपर एक्शन लेना, आपके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ये तमाम जितने भी इंटरमीडिएट रेगुलर के जूनियर कॉलेजेस है, तेलंगाना स्टेट जूनियर कॉलेजेस है जो भी, उन तमाम प्रिंसिपल को जो है ये TSBI का कहना है, अगर कोई भी स्टूडेंट ये चीज़ से गुजर रहा है, ये फेस कर रहा है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है DIEO को और या TSBI नामपल्ली को जाके, डायरेक्ट
जो है जूनियर कॉलेज के बारे में कंप्लेंट कर सकता है। अगर कोई भी जूनियर कॉलेज जो है कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है इंटरमीडिएट निकलने से पहले या रुका के रखा है फीस की वजह से या कोई भी चीज़ की वजह से, ये कॉलेजेस ऐसा नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का कहना है। इसके साथ साथ और एक अपडेट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन tsbi.cgg.gov.in/pe गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप लोग, वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं फर्स्ट ईयर में। वो वेबसाइट पे आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज एडमिशन बोल के, वहाँ पे आप ऑनलाइन जाके एडमिशन करा लीजिए। वो सेम आपको जो आप कराए हो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कॉलेज में, वो आपको प्रिंट लेके जाके कॉलेज में सबमिट कर देना है जो भी कॉलेज में आप लेना चाह रहे हैं। इसके बाद और एक अपडेट यहाँ पे आ जाती है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स है उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम 98 स्पीशियस ऑफ हर्पिटोफोना, फोना मतलब एनिमल रिलेटेड होता है, हर्पिटोफोना के स्पीशियस को पता करे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, ठीक है। उसके बाद और एक अपडेट यहाँ पे बता देता हूँ, इलेक्शन कमीशन जो इंडिया के है ECI, वो जो है कंपलसरी वोटर आईडी को जो है आधार कार्ड से लिंक कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स जितने भी मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जरूर जो है अपना वोटर आईडी को जो है अच्छी तरीके से बना के रख लीजिए और आधार कार्ड को भी एकदम अपडेट करा लीजिए, क्योंकि जो इलेक्शन आएगा तो आपका वोटर आईडी जो है आधार कार्ड से लिंक होगा, तो मोबाइल नंबर भी सेम होना मैंडेटरी है और ये इलेक्शन कमीशन मैंडेटरी करने वाली है वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक, ठीक है, ताकि जो है इलेक्शंस बहुत साफ सुथरा हो, कोई भी चीटिंग ना हो, कोई भी बोगसिंग ना हो, इसलिए जो है ये ECI का कहना है, ठीक है। तो ये अपडेट मैं आपको आज की बता दिया हूँ, कैसी लगी अपडेट आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना बेहद ख्याल रखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और एक एक बात यहाँ पे जो है, सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट्स है फेल स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं अक्टूबर में, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं सर सप्लीमेंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट दे दो। तो देखिए इंपॉर्टेंट अभी मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है टॉस के, जैसे ही बुक्स अगर मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को उससे वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। और जितने भी टॉस के SSC के ग्रुप सब्जेक्ट्स है, हिंदी, अरेबिक, उर्दू, हिंदी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथ्स, तो ये सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे ही इंटरमीडिएट के जो ग्रुप है CEC, MPC, MBPC, उसके भी जो है ग्रुप के सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बुक्स अवेलेबल नहीं है इसीलिए जो है मैं वीडियो जो है अभी नहीं बना सक रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और कोई भी डाउट है अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये नॉलेज, ये वीडियो अपने दोस्तों के ग्रुप में भी, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। जो भी आपके टॉस के ग्रुप से, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, उनको भी ज़रूर वीडियो शेयर करें, ताकि उन लोग को भी पता चल जाए कि टॉस की जो है लेटेस्ट अपडेट मैं यहाँ पे हमारे YouTube चैनल पर पहले अपलोड कर दिया हूँ। और एक एक बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो है टॉस की अपडेट जो है कोई भी YouTube चैनल पर जो है क्लियर सही नहीं बोल रहे हिंदी में, तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो हमारी ज़रूर देखिए आप। और जितने भी स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो नहीं मालूम है टॉस से रिलेटेड, मेरा चैनल है, तो उनको ज़रूर जो है हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, आपको इसका भी सवाब मिलेगा और भी मिल जाएगी।